जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालियाँ के मेन बाज़ार में, और यहाँ पर जो यहाँ का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है वो है देहात में हुक्कों का कल्चर। शायद आपको या आपसे पिछली जो जनरेशन है उसको इससे ज़्यादा बेहतर पता होगा, बट जो हमारी जनरेशन आ चुकी है या हमारे बाद वाले, उन बच्चों को तो बिल्कुल हुक्कों का पता नहीं है। कुछ नई चीज़ें इसकी जगह ले रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त लालियाँ में जो मौजूद हूँ ये आपको हुक्के दिखाने लगा हूँ, और ये हाथ से बने हुए हुक्के। आप ये काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन मैंने 21 साल हो गए जी काम करते, और पहले अबूरे भी काम करते, दादा भी, परदादा भी, यानी खानदानी ये साडा काम है सारा जी। अच्छा, ये जो हुक्के आपने बनाए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ से देख के भी नज़र आ रहे हैं, तो ये कितना टाइम लगता है हुक्के बनाने में, और इसमें कौन सी धात इस्तेमाल की हुई आपने? इसमें चमड़े के ये ढोल बना होता है गाय के चमड़े का, ठीक है, ऊपर सफ़ेद तांबा होता है, ये टुकड़ी फिर होती है लाल तांबे की, ये सारा सफ़ेद तांबा लगा हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है, इससे मिट्टी के भी होते हैं वो बने बनाए आ जाते हैं, तो ज़्यादा ये हमारे पास चलता है। जैसे ये हो गया, ये गाड़ी वाला हो गया, आप गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, ये डेरे वाला है, ये आप देख लें। तो ये एक एक बनाने में ये जो लोहे का और इसके ऊपर बहुत ही बारीक काम हुआ हुआ है, और इसमें रंग भी काफ़ी भरे हुए हैं, फिर ये कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ये जो हुक्का है ना, एक बनाने में कम अज़ कम 1 हफ्ता लग जाता है, 1 हफ्ता, 7 दिन यानी। तो देखने में तो एक्सपेंसिव लग ही रहे हैं, तो कीमत के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी जिस तरह काम करिए उस तरह दे होंगे, यानी कि फर्को फर्की होंगे है ना, जिस तरह है हूँ हो गया हूँ अच्छा हुक्का बने हुए हैं, तो दूसरे नंबर पर ये मुकम्मल तैयार हो जाता 40-45 दे। हाँ जी, तो जी ये 40,000 में आपको ये हुक्का मिल सकता है, इससे कम भी किया जा सकता है इसका रेट, वो कहते हैं हम रियायत भी कर देंगे, लेकिन इसको देखने के बाद एक बार यही दिल करता है कि 40,000 इसके हवाले से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, बारीक काम, और ये सारा हाथ का काम है? ये टोटल हाथ का काम, हाथ का काम, ना 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 ना, ये सारा ही हाथ का काम हुआ है। आम रूटीन में कौन लोग खरीदते हैं आप? ये जो बड़े जिम्मेदार डेरे वाले होते हैं ना, वो ही ले जाते हैं। अच्छा, शौकीन हजार बहुत ज़्यादातर ये आदमी ले जाते हैं डेकोरेशन के लिए, बाहर जाते हैं ना, इटली गए, फ्रांस गए, सऊदीया गए, दुबई गए, उन्होंने अलमारी बना के उसमें सेट कर करके अपने ड्राइंग रूम में अपने, जिस तरह ये जो पाइप्स हैं इसके, आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये धागे से काम हुआ हुआ है, और ये खवातीन अपने घरों में करती हैं ये काम। मैं ये कहना चाहता भी सबका सकाफत ना भूलो, अपने हिसाब ना ले चलो, ठीक है, वडेरिया ना, यानी कि ये काम है जेड़ा काम भी है जितने जितने है। उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि अपनी सकाफत ना भूलें, और अपने जो सबका कल्चर है उसको आगे प्रमोट करें, तो डिस्कवर पाकिस्तान का यही काम है, और मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि एक बार लालियाँ विज़िट करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खूबसूरत कल्चर है।